ईडी के छठे समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और दुमका में प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नहीं आने की वजह भी भेज दिया है और ये वजह एक लेटर के माध्यम से भेजा गया है और इस लेटर को लेकर जो पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम है वो है सूरज कुमार। सूरज कुमार वही व्यक्ति है जो हर बार एक लेटर लेकर ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं पहुंचने का उसमें कारण लिखा होता है। आज भी सूरज कुमार पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि सीएम ऑफिस से उन्हें एक लेटर दिया गया था और उस लेटर को ईडी कार्यालय में उन्हें पहुंचाने को कहा गया था, उसके बाद वो यहां से निकल गए। तो बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने छठा समन जारी किया था और छठा समन जारी करते हुए आज यानी कि 12 दिसंबर को राजधानी रांची के हिनू रोड स्थित ईडी कार्यालय में आने का निर्देश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा पहले करते रहे हैं इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वही किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर नहीं पहुंचे और दुमका में प्रस्तावित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में चले गए। देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे ईडी कार्यालय। इससे पहले 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितम्बर, 23 सितम्बर, 4 अक्टूबर, ये 5 समन जो है उन्हें पहले जारी किया गया था। इन 5 समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे। इन 5 समन पर नहीं पहुंचने का उन्होंने कारण भी दिया था और उसके बाद कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर चुके थे। दोनों जगह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं झटका लगा था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना रुख पहले भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आर पार के मूड में हैं। कई मंचों पर इस तरह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ते हुए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ईडी का क्या कुछ रुख होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ रुख होगा। क्या ईडी अपनी ओर से नेक्स्ट जो कार्रवाई है करते हुए क्या कोर्ट की ओर मूव करेगी या बताइए। आराम से आराम, कहीं जाना नहीं, बिना आते देख जा रहे हो सीएमओ से हम लोग क्या था पीछे बता सकते हैं। लेटर सीएमओ से क्या था, क्या था नहीं पता। सीएम आवास से लेके आए, ऑफिस ऑफिस सीएमओ ऑफिस से क्या चीज था ये कैसे पता। अभी फिर जा रहे हैं डाक देने ही बैठ जाइए बैठने दो कहाँ से आए कहाँ से सीएम ऑफिस से क्या लेकर के आए थे मतलब कुछ चिट्ठी वगैरह था लेटर था लेटर रिसीव करा दिए जा रहे हैं चलिए। कितना बजे सीएम से पहले आपको लेटर मिला थाने का? ये तो पता नहीं, हम इनको ऑफिस में मिला और लेटर था उसके साथ दे के चल दिए। अभी और जगह जाना है भैया। अंदर क्या बोला गया आपको अंदर? हम लोग क्या बोलेगा, हम लोग रिसीव करवाए आवेदन शाखा में देख जा रहे हैं। ठीक है भैया, विजय भाई। या कह सकते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट को लेकर जो है याचिका दाखिल हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो है तमाम इंतजामात किए गए थे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो डीएसपी लेवल के अधिकारी को यहाँ पे लगाया गया था, सब इंस्पेक्टर लेवल का था और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को लगाया गया था ताकि प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचते तो तमाम व्यवस्था हो, तो उसको देखकर तमाम इंतजामात किए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुँचे हैं। अब ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों के नेक्स्ट मूव का हमें इंतजार करना होगा। न्यूज़ 22 के लिए कैनोपसन नूतन के साथ नीरज कुमार रांची।